नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा के एक और अनुयायी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे खास मुलाकात करते हैं। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप एक खास ड्रेस पहनी हुई है, ये ड्रेस किसके लिए? ये हमारे सतगुरु ने बनाई हुई है मानवता भलाई के कार्य करने के लिए। जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, हमारे सारे ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स वहीं पे चली जाती है हमारे सतगुरु के हुक्म से। आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़ी हुई है? 30 सालों से। आप इतने लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, आपने ग्रीनेस की ड्रेस भी ली हुई है, क्या आपको डेरे से कोई पैसा मिलता है? हमें डेरे से बहुत खुशी मिलती है, हमारे सतगुरु हमारे सारे कर्म काटते हैं, हमें इतनी खुशी होती है सेवा करके, कहने सुनने से परे। हमारे साथ इतने करिश्मे होते हैं हमारे सतगुरु के, हमें आप भी दर्शन होते हैं। आज यहाँ पर आप लोग क्यों इकट्ठे हुए? हमारा जामे इंसा 29 अप्रैल को हम ये मनाते हैं, इसी खुशी में आए हैं। हमारा खुशियाँ का मीन नाम कहीं भी नाम चर्चा लगा के मना सकते हैं। क्या पहले के सत्संगों में और अब के सत्संगों में कोई फर्क आया है? हाँ जी, हमारे जब से हमारे सतगुरु मिशन पे गए हैं पहले से भी ज़्यादा संगत आती है, बढ़ चढ़ के। कोई जिसका दृढ़ विश्वास है सारी संगत बढ़ चढ़ के पहले से ज़्यादा जुड़ी हुई है। ये जो आपने वर्दी पहनी हुई है, क्या ये वर्दी किन लोगों को मिलती है? जो सेवा करते हैं, सेवादार अपनी मर्जी से लेते हैं। आपको सेवा करने के बाद कोई पैसा दिया जाता है? कोई पैसा लिया जाता, हम अपनी खुशी से अपनी मर्जी से आते हैं सेवा करने के लिए, चाहे सफाई अभियान हो या डेरे की सेवा हो। जहाँ भी हुक्म होता है, हर 3 महीने बाद मैं ब्लड डोनेट करती हूँ, अब तो 4 महीने बाद लेने लग गए। अच्छा, आप ब्लड भी डोनेट दे करती हैं? जहाँ जहाँ के आज के टाइम में लोग अपना ब्लड डोनेट नहीं करते, अपने भाई को ब्लड नहीं देते, आप लोगों के लिए ब्लड डोनेट करती हैं, किसकी इंस्पिरेशन है आपको? हमारे सतगुरु के ने यही शिक्षा दी है, किसी की जान बच जाए, हमारी संगत बढ़ चढ़ कर करती है, रोते हैं जिसका नहीं होता। आप लड़कियाँ डेरा सच्चा सौदा में कितनी सुरक्षित हैं? कहने सुनने से परे कहीं भी समाज में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमारे डेरे में है, अपने घर से भी ज़्यादा सेफ है हमारी लड़की। डेरे में किस धर्म के लोग आते हैं? सभी धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब का एक जैसा सामान मिलता है, सब एक जगह खाना खाते हैं, सब एक जगह लंगर चखते हैं। जैसे बाहर वाले डेरों में मैंने देखा है जात पात होती है या ऊंच नीच होती है, तो क्या इसी तरह डेरा सच्चा सौदा में भी ऐसा कुछ? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जगह प्यार प्रेम से सेवा करते हैं, लंगर चखते हैं, खुशी खुशी रहते हैं सब, कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे ऊंच नीच। पिता गुरु जी ने डेरो बेटियों के लिए क्या कुछ किया? बेटियों के लिए बहुत कुछ किया गुरु जी ने, और बेटियों के यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज हैं। एक बार बेचकन फिक्र हो जाए मम्मी पापा, किसी बात की चिंता नहीं यहाँ पे, बहुत अच्छा। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? बस हमारे सतगुरु जी को जल्दी से जल्दी भेजें, हमारी सारी संगत यही इसी उम्मीद पे, अभी जल्दी से जल्दी आए हमारे सतगुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।